अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं आज वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था उस संपूर्ण रूप से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज मैंने LOP का बात सुना था। LOP जी ने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत बातचीत किया था एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए भी जो बात कहा था और एक बात बहुत स्ट्रेस करके बताया था, वो सोशल जस्टिस के बारे में बताया था। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इस देश के अंदर 50 ईयर्स के अबव जो पालन किया था कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने जिस टाइम पालन किए थे, जो देश के अंदर जो फार्मर्स का सुसाइड हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड्स हुआ था मैडम। 2014 तक खेती के काम के लिए उस सरकार ने कुछ भी नहीं किया था। स्वामीनाथन कमीशन जो रिपोर्ट आने के बाद वो गवर्नमेंट ने उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ भी इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिया था। मोदी जी सरकार आने के बाद 2014 और 2015 में 1360 रुपीज़ था MSP। आज MSP 10 साल के अंदर MSP 2320 रुपीज़ मैडम। ये आज फार्मर के बारे में स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट पूरी तरह इंप्लीमेंट करे सो गवर्नमेंट, ये मोदी से सरकार है मैडम। और सेकंड थिंग मैडम, जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो बात कर रहा है, अभी हमारा मित्र जो बात किया है, फैक्ट है मैडम। 30% 40% प्रोडक्टिविटी कम होता होगा, मगर आज प्रोडक्टिविटी के बारे में 2014 के पहले एक हेक्टर को 22,050 kg भी नहीं आया था, अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ के 2,552 kg आ रहा मैडम। इसमें जो नेचुरल फार्मिंग के लिए एंड सीरियल्स प्रोडक्शन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने जो सोच रहा है, वो कैंसर्स, रीनल फेल्यूर्स, अलग अलग डिसीज जो बढ़ते जा रहा है, इस देश को वो डिसीज से हम बचाना बोले तो ज़रूर ये सोचना चाहिए। मोदी जी सरकार पैसों के लिए नहीं है, या आज हमारा लोगों का हेल्थ के बारे में सोच रहा है, वो ज़रूर अमल होने के लिए हमारा गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रहा है वो ज़रूर स्वागत करना हमारा कर्तव्य है मैडम। सेकंड थिंग मैडम, ये इस देश में सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, हमारा तेलंगाना स्टेट के अंदर आज तक जो कांग्रेस पार्टी पालन किया था, एक दफ़ा भी एक दलित बिड्डा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, एक गिरिजना बिड्डा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, एक OBC का मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ एक LOP को, 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जो अपोजिशन बैठा था उनको एलिजिबिलिटी नहीं मिला था, तब कौन था अपोजिशन लीडर? इन्हें तो नहीं है। 2019 में एलिजिबिलिटी नहीं मिला था, जब भी उन्हें फ्लोर नहीं है, अभी एलिजिबिलिटी आने के बाद तो उन्हें आके फ्लोर बनाया मैडम। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक OBC प्रधानमंत्री की इस देश में बनाया है। एंड जब हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था, जब हमने प्रेसिडेंट बनाया था, अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया था, मोदी जी ने 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया था, एक दलित बिड्डा को बनाया था। एंड कभी भी कल्पना नहीं करते, जो एस सी के बारे में OBC के बारे में बात करता है, अभी एस टी राष्ट्रपति, एक आदिवासी अड़ू बिड्डा ST राष्ट्रपति बनाए सो भारतीय जनता पार्टी है मैडम। ये सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, दलित जाति के लिए बात कर रहा है। लास्ट कैबिनेट में अभी तो नहीं देखा हूँ, लास्ट कैबिनेट में SC का मंत्री 12 लोग हैं मैडम, आउट ऑफ 76 12 लोग SC मंत्री है।
8 लोग एसटी मंत्री है, 27 मिनिस्टर्स ओबीसी मिनिस्टर्स है मैडम, जो एससीज के बारे में, एसटीज के बारे में, ओबीसीज के बारे में जो कल्पना करे वो अमल करे सो पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी है मैडम। हम क्वेश्चन नहीं कर सकता मैडम। मैं एक्चुअली मेरे को कल बात प्रसंग करने के लिए मौका दिया था मैडम। मैं फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर हूँ मैडम, मैं फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। मैं सभी भाषण को मैं सुनाता, क्या भाषण किया मैं नहीं बोल सकता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। आज मैडम ये बजट काम का बजट नहीं है, प्रजा का बजट नहीं है, ये बजट राज्यों को अपोषण राज्यों को गलत है, वितरित है, ये सब गलत है मैडम। मैडम इस बजट में पहले हमारा भाई साहब जो कहा था, बहुत साल के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा के बारे में सोच करके पैसा अलोकेट करके इसको टैकल करना बोल के जो निर्णय था वो स्वागत करने का निर्णय है मैडम। आज एक भारत में नहीं है मैडम, सारे दुनिया में, आज अमेरिका भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहा है मैडम। आज दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा, आज दुनिया के अंदर इकोनॉमिकल रिसेशन हो रहा, इसके बाद भी हमारा मोदी जी सरकार एक ही सोच किया था, जो युवा शक्ति इस दुनिया के अंदर भारत में ज़्यादा है, यह युवा शक्ति को प्रोडक्टिविटी में रखना है, यह युवा शक्ति देश आगे बढ़ने के लिए हम मौका देना बोल के जो निर्णय लिया था वो निर्णय स्वागत करने का नहीं है, वो अमल करे तो जरूर ये देश अभी 5th इकोनॉमी जो हुआ था, आने वाले दिन में डेफिनेटली 3rd इकोनॉमी जरूर बनेगा मैडम। थैंक यू मैडम। मैं 2-3 आइटम मैं बात करता हूँ मैडम। इन्हें वो एससीज के बारे में जो बात किया था ठीक है, मगर जो एससीज एंड एसटीज जो ओबीसी महिलाओं बहिरभूमि में जाने के लिए जो लोटा पकड़ के जाते थे मैडम, 12 करोड़ मकान के अंदर जो शौचालय टॉयलेट बना के उन लोगों का रेस्पेक्ट बढ़ाया मोदी जी ने बढ़ाया मैडम, ये कांग्रेस पार्टी नहीं किया था मैडम। मैडम कुछ भी नहीं हुआ 2014 मैं पढ़ता हूँ, 10 मिनट टाइम दिया तो पूरा पढ़ता हूँ मैं। मैडम नंबर ऑफ रूरल टैप वाटर 3.2 था, आज 13.8 करोड़ है मैडम। मैडम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैडम 28,56,781 था 2014 तक, आज कल्पना भी नहीं कर सकते मैडम 64,53,015 है मैडम। क्या यूपीआई है, क्या इंडिया है, देखो मैडम। मैडम प्रोडक्शन है 2014-15 तक 252 टन्स मैडम, अभी 130.2 मैडम, अभी 328.9 टन्स मैडम, मिलियन टन्स मैडम। मैडम यील्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर हेक्टर मैडम, इससे पहले 2028 केजी मैडम, आज 2525 केजी मैडम। मैडम इससे पहले मैं बताया था MSP 1360 रुपीज़ 2014 में हुआ मैडम, आज 2320 रुपीज़ मैडम। मैडम फॉरेन एक्सचेंज मैडम 18,28,375 रुपीज़ ओनली मैडम, क्रॉस रुपीज़ ओनली मैडम, आज 53,91,255 क्रॉस मैडम। माननीय सदस्य।